वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल इस वक्त बलोचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं कि लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है और अगर हमने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया लोग जरूर पूछेंगे हमसे, लेकिन हमारा अपना जमीर भी हमसे पूछेगा कि हमने एज ए हुकूमत क्या काम किया। जनाब स्पीकर साहब, ये नया बजट आ रहा है और 3 साल हमने काम किया, इस बजट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करने जा रहे हैं और ये हमारी मेहनत है, इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत को पूरी करेंगे। और ऑपोजिशन से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप देखिए, ब्लैकमेलिंग गवर्नमेंट को अगर आप चाहेंगे कि आप ब्लैकमेल करें, ये मुनासिब तरीका नहीं है। इस हाउस में आए, इस हाउस में जब आप बात करते हैं, ठीक है आपकी 10 बातें हम नहीं सुनेंगे, लेकिन उन 10 में से 3 बातें आपकी ऐसी होंगी जिनको हम सुनते भी हैं। हम आपके साथ बैठते हैं, मज़ाकरात भी करते हैं, बात भी करते हैं, आप वहाँ से बात करते हैं, हम यहाँ से जवाब देते हैं। लेकिन अगर आपने ये ज़िद पकड़ ली है कि नहीं जी अब हमने 2 साल रोडों पे, सड़कों पे, थानों में गुजारने हैं, तो मेरे ख्याल आप अपने वोटर का हक अदा नहीं कर रहे। अगर आपके वोटर ने अगर आपको रोड पे, थानों पे भेजना होता तो इस असेंबली में ना भेजते, उसके लिए तो आपके पास बहुत लोग हैं। आप इन कुर्सियों को भरें, आपके वर्कर हैं, आपके पार्टी की नुमाइंदगी हैं, वो काम उनको भी आप सौंप सकते हैं। लेकिन अगर आपने अगर इस हॉल को खाली रखना है, इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी है, ये आपसे सवाल होगा कि आपको इख्तियार इस हाउस के अंदर बैठने का दिया गया था और वो एजेंडा आपने पूरा नहीं किया। इस हाउस के अंदर जो बात होगी वो डॉक्यूमेंटेड है, उसकी एक प्रूफ है, उसका एक फैक्ट होगा, उसकी एक हिस्ट्री होगी, उसका एक वजन होगा। आप आज एक थाने के अंदर बैठ के 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, 10 स्टेटमेंट्स दे दें, उसकी वो अहमियत नहीं होगी जो इस हाउस के अंदर है। तो आज का भी दिन हम उम्मीद रख रहे थे कि शायद आज आखिरी दिन है, ऑपोजिशन के लोग आ जाते, लेकिन मेरा ख्याल वो नहीं आए। और मेरा ख्याल ये बलूचिस्तान की नहीं, पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहला ऐसा वाकया होगा कि हम कभी कभी सियासी मिजाज में इतने सियासत में एक चीज़ में फंस जाते हैं कि हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज पूरी नहीं की है। और शायद इस जिस तरह बहुत सारे अपोजिशनों से और हुकूमतों से आगे जाके एक सवाल होगा, मेरा ख्याल ऑपोजिशन से भी एक सवाल होगा आने वाले वक्त में। इनका वोटर करेगा, इनके लोग करेंगे जो इनसे वाबस्ता हैं, कि भाई आपने इधर जाके बात करनी थी, आपने हमारा एजेंडा इधर पेश करना था, आपने हमारे मसाइल के हवाले से यहां पे अपनी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन आप कर नहीं सके। वो आप इसीलिए नहीं कर सके, आप कहीं और बैठे हुए और आपको किसी ने बिठाया नहीं, आप अपनी मर्जी से बैठे। तो जनाब स्पीकर साहब, आने वाले वक्त में चाहे वो हमारा बलूचिस्तान एंडाउमेंट फंड, जो मैं कहता हूं कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्टों में से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शायद बलूचिस्तान में कभी शुरू नहीं हुआ, सोशल वेलफेयर के हवाले से हमने उस पर बड़ा मेहनत की, असद बलोच साहब भी इधर ही हैं, जिसको बलूचिस्तान में बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया, जिसमें 1400 से 1500 ऐसे लोग जो शायद अपने घर में अपनी आम बीमारी के इलाज के लिए पैसा भी नहीं रखते,